देश दुनिया की सभी खबरें आपके अपने न्यूज चैनल इंडिया समाचार में। सतपाड़ा सोसाइटी में फर्जीवाड़े की शिकायत लेकर पहुंचे किसान। किसानों ने कहा कि कर्ज चुकाने के बाद भी 200 से ज्यादा किसानों को बना दिया कर्जदार। मामले की जांच कर कार्रवाई करने की ज्ञापन के जरिए की गई मांग। जी हां, विदिशा में आज कलेक्ट्रेट में सतपाड़ा सोसाइटी के अंतर्गत करीब एक दर्जन गाँव के 200 किसान अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर कुमार सानु देवरिया को सौंपा। किसानों ने बताया कि सतपाड़ा सोसाइटी के अंतर्गत कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने कर्ज पूरी तरह चुका दिया था, जिसका उनके पास दस्तावेज भी मौजूद है, लेकिन कागजों के हेरफेर में उन्हें फिर से कर्जदार बना दिया गया है। उन्होंने वह कागज भी उपलब्ध कराया जिसमें वह गड़बड़ी की गई है। किसानों ने बताया कि सोसाइटी के मैनेजर ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि उनकी आत्महत्या इस फर्जीवाड़े का कहीं न कहीं कोई लेन देन है। बताया जा रहा है कि इस कर्ज के चलते उन्होंने अपनी फसल के लिए न तो कर्ज मिल पा रहा है और न ही और कोई काम कर पा रहे हैं। प्रत्येक किसान पर 1 से 1.5 लाख का कर्जा होने की बात कही गई है। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए विदिशा से तोरण सिंह शिल्पकार की खास रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मैं लोकेश शर्मा, सतपाड़ा सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेजाखेड़ी खेड़ा का रहने वाला हूँ। ये समस्त किसान मेरे साथ में यहाँ पे आए हुए हैं। हम सब लोग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सतपाड़ा उसके सब किसान हैं। और इसमें 2021 में हम सब लोगों ने अपना पैसा जो जमा किया था, जो किसान क्रेडिट कार्ड हम लोगों को मिलता है, उस किसान क्रेडिट कार्ड के पैसे प्रबंधन बैंक प्रबंधन ने जो है वो पिछले MTC में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं 2018 में, जबकि 2018 में ऑलरेडी हम लोग सब क्लियर हैं। इसका सबूत हमारे पास है, इसके सबके पास रसीदें हैं और मेरे पास उसका जो है KCC की जो क्रेडिट कार्ड बुक होती है उसमें ऑल क्लियर लिखा हुआ है, और भू अधिकार पुस्तिका उसमें ऑल क्लियर लिखा हुआ है। इसके बावजूद हमारे यहाँ के जो प्रबंधक जो सहकारिता समिति सतपाड़ा के थे किशन दयाल दुबे, तो उन्होंने जो सुसाइड किया था उसके बाद इसमें जो है रिकॉर्ड में कुछ काट छाँट की गई है, उसमें वाइटनर लगा के रिकॉर्ड को दुरुस्त किया गया है। उसके अगर आप उदाहरण मैंने आप फोटो आपको दिए हैं, तो वाइटनर लगा के सुधार किया गया है, उससे क्या आप दोबारा कर्जदार हो गए हैं? जी हाँ, दोबारा कर्जदार हो गए हैं, दोबारा कर्जदार हो गए हैं। हमने जो पैसा, अगर जैसे क्या होता है पुराने कर्जदार कोई रहते हैं तो उसको जो अगला KCC में जो एंट्री होती है उसमें मेंशन किया जाता है कि भाई ये आपका कर्ज 2018 का बाकी है। जैसे मान लो मेरा 2019 था, 2019 में मुझे ऑल क्लियर दिखाया है उन्होंने, 2020 में ऑल क्लियर दिखाया, 2021 में ऑल क्लियर दिखा रहे हैं। अगर मेरा 2018 का कर्जा था तो 2019 में इनको दिखाना चाहिए थी मेरी KCC बुक में या मेरी भू अधिकार पुस्तिका में कि आपका इतना कर्जा बाकी है, MTC का कर्जा आपको जमा करना है। वो सब इन्होंने दिखाया नहीं है, अभी तक ऑल क्लियर है। और ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, समस्त जितने किसान मेरे साथ में सभी के साथ ऐसा हुआ है। कितने किसान हैं? लगभग 200 किसान हैं। आपके प्रबंधक ने सुसाइड किया वो क्या इन्हीं कारणों से किया? नहीं, ये हम नहीं कह सकते, ये जांच का विषय है, ये पुलिस जांच करेगी, इसमें हम नहीं पढ़ना चाहेंगे। हम तो किसानों का हमारी आपसे ये मांग है कि हमारा जो पैसा हमने जमा किया है वो पैसा हमको वापस KCC के माध्यम से मिला जाए, खाद दिया जाए हम लोगों को, और जो हमारे ऊपर कर्ज है वो कर्ज से हमको जो है ऑल क्लियर किया जाए, बेवाक किया जाए। और ये अभी कुछ किसानों ने आके यहाँ ज्ञापन दिया है सतपाड़ा सराय सोसाइटी में, कुछ अब शासकीय अभिलेखों से छेड़छाड़ का मामला ये लोग बता रहे हैं, तो समिति प्रबंधक के खिलाफ भी कुछ या अन्य जो समिति के लोग इनके खिलाफ इन्होंने बताया है, तो